Hello 6th class, this is your social studies. Today I am going to start your new chapter. As you can see on your screen, this is your new, say, uh, social studies book Culture and Society. Now open it. Like you can see on your screen, your chapter number 11 is Environment arts, and its totality. What is the environment? Key एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग मीन्स द एन्वायरमेंट जो आपके आसपास आप देख रहे हैं दैट इज पूरा हमारा एनवायरमेंट या आप कह सकते हैं इसको वातावरण है जिसमें सारे लिविंग बींग्स और लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स सभी इसी में शामिल होते हैं ठीक है तो हमारा एन्वायरमेंट एक सम ऑफ ऑल द कंडीशन है जो हमारे आस पास आपको देखने को मिलेगा एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेस इट इज इट कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और हमारा द मेन पॉइंट है जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स बायोटिक एनवायरनमेंट और हमारा सेकंड वन इज अबायोटिक एनवायरनमेंट बायोटिक एनवायरनमेंट को हम क्या कह सकते हैं वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें जान होती है जो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली जिसमें आप बढ़ना घट बढ़ना ही दिखेगा आपको घटना भी टाइम के अकॉर्डिंगली कुछ आपको दिखता है लाइक like आपका क्या है यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे इस कैटेगरी में आएंगे बायोटिक में ये होता है हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं लैंड वाटर मिनरल लाइक आप लैंड को कि जमीन को आप पैरों से थपथप -थप मारेंगे जितना मर्जी आप उसको दर्द नहीं करेंगे वो उसको कुछ नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड आवर नॉन लिविंग थिंग लाइक आपकी लकड़ी की चेयर या आपकी लकड़ी का दरवाजा ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं कि इनको कोई पेन फील नहीं होता है फाइन लाइक हमारे अब नॉन नेचुरल एनवायरमेंट में हमारे लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एलिमेंट्स हैं सभी हमारे नेचुरल एनवायरमेंट को बना रहे हैं जो क्योंकि हमारे लिए सांस लेना भी जरूरी है एंड खाना इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर आस जिसमें हमारे फोर कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरमेंट के ठीक है फर्स्ट वन इज योर लाइथॉस्फेयर हाइड्रोसफेयर एंड एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे जिसको कम्प्लीट अगर आप समझ लेंगे तो आपका एन्वायरमेंट कम्प्लीट हो जाता है ओके नाउ द फर्स्ट वन इज योर लाइथोस्फेयर द रॉकी आउट मोस्ट लेयर हमारे अर्थ की बोली जाती है लाइथोस्फेयर यानी यानी जिसपे आप जमीन पर पैर रख रहे हैं जो टच में हैं आपके जिसमें आपको मिट्टी भी मिलेगी कुछ कंकड़ भी मिलेंगे सैंड भी हैं आपके डस्ट पार्टिकल्स भी हैं ये सारा आपका लाइथॉस फेयर है बिकॉज ग्रीक वर्ड है ये हमारा लाइथॉस जिसका मीनिंग है रॉक्स आउटर स्किन है हमारे अर्थ की जिसको कह सकते हैं हम क्रस्ट जो हार्ड है सॉलिड है जिसमें बहुत सारे रॉक्स और मिनरल्स हैं जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ और इसका सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है कहीं से आपको उबड़ खाबड़ मिलेगा और इसमें बहुत सारी वैराइटीज हैं आपका लाइक like माउंटेन्स आएंगे हमारे इसमें प्लेट्यूज प्लेन्स वैलीज वॉटरफॉल्स सभी हमारे लाइथोस में एक हमारे फॉरेस्ट हो गए हमारा कुछ एरिया आपको दिखेगा पानी से कवर है कुछ हमारा फॉरेस्ट या ग्रासलैंड से कवर है तो ये एरिया सारा हमारा क्या कहलाएगा लाइथॉस फेयर कहलाएगा आई थिंक इतना समझाना आप लोगों के लिए बहुत अहम था और आई थिंक आप लोग समझ भी चुके होंगे आप ठीक है तो और हाइड्रोस्फेयर हाइड्रो से आप समझेंगे पानी वाला हिस्सा क्या पानी वाला हिस्सा टू द वॉटर ऑन द अर्थ जो हमारी जमीन है जमीन तो हमारी क्या हो गई लाइथॉसफेयर हो गई जमीन के ऊपर जो हमारा पानी वाला जो जमीन है जो पानी का हिस्सा है वो हमारा कहलाएगा हाइड्रोस फेयर बिकॉज हमारे अर्थ में सेवेंटी वन परसेंट आपका जो जमीन को कवर किसने किया हुआ है पानी ने किया हुआ है जो हमारा कितना है सेवेंटी वन परसेंट हमारा अर्थ को सरफेस को कवर कर रहा है वो कौन कर रहा है पानी कवर करता है और पानी को हम किस से शो करते हैं सिंबल ब्लू कलर इसी कारण से बिकॉज ज़्यादा पानी के कारण से हमें हमारे प्लानट को अर्थ को क्या कहा जाता है ब्लू प्लानट कहा जाता है बिकॉज एंड ओनली ट्वेंटी नाइन परसेंट ऑफ विद लैंड है सिर्फ हमारा वाटर इज़ फाउंड एज सॉलिड फॉर्म में ग्लेशियर्स में जैसे वो आ, या आइस के शीट्स बन के टुकड़े टूट रहे होते हैं या लिक्विड वाटर में भी आपको मिलेगा लाइक ओशंस रिवर्स लेक्स पॉन्ट्स बहुत सारे आपके सोर्स ऑफ वाटर भी आपको मालूम है वाटर बॉडीज़ कहते हैं जिस

Now, the next one is our atmosphere. Atmosphere kya hai? The layer of the air which surrounds the earth from all the sides. इज़ कॉल्ड द एटमोसफेयर जो हमारा ग्रेविटेशनल जो पुल है अर्थ की वो हमारे एटमोसफेयर को कवर कर रही है बिकॉज अबाउट नाइन्टी नाइन परसेंट हमारा जो टोटल मास ऑफ एयर है वो कितना है थर्टी टू किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ बिकॉज एयर एक मिक्सचर है किसका गैसेस का नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन हीलियम और बहुत सारी और भी हैं जिनको मिला के हमारा एटमोसफेयर कम्प्लीट हो रहा है और ये जो चेंजेस हमारे एटमोसफेयर में होते हैं ये प्रोड्यूस कर सकते हैं चेंजेस हमारे वेदर में और क्लाइमेट में भी आपको देखने को मिलेंगे फाइन एंड नेक्स्ट वन इज बायोस्फेयर बायोस्फेयर का मतलब क्या है जिसमें हमारा एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर लिथोसफेयर सभी इसी के अंदर आ गए हैं नैरो जोन है हमारे किसकी एटमोसफेयर की है एंड दिस फेयर ऑफ के अंदर हमारे प्लांट्स एनिमल्स मैन सभी इसके अंदर आपको आ गया है जो क्या है दिस कॉजिस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द मैन एज वेल एज हमारे ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत नुकसान दे सकता है नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर इको सिस्टम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज प्लांट्स एनिमल्स एनवायरमेंट वो हमारे जो अर्थ पे रह रहे हैं एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं ठीक है मैंने उसने उसको खाया उसने उसको खाया मतलब हर एक का किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर शो होगा और ऐसा इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट उसको बोला जाता है इकोसिस्टम दैट इकोसिस्टम मे बी एज अ स्मॉल भी हो सकता है एज अ पॉन्ड और अ वुडलैंड और एज अ लार्ज एज अ ओशन या इक्विलेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी इसको कह सकते हैं हम ओके okay? और जो प्लांट्स आर फूड टू द प्लांट ईटिंग बर्ड्स के लिए आर कॉल्ड द प्राइमरी ठीक है थोड़ा सा हमारा पेज डैमेज है तो सॉरी फॉर दैट आई कांट रीड दैट पेज नाउ फाइन और जो बर्ड्स हमारे एनिमल्स जो हैं फीड होते हैं अदर लैंड एनिमल्स पे उनको बोला जाता है सेकेंडरी फाइन एंड डीकम्पोजर्स कौन होते हैं जो हमारे टाइम के टाइम पे अकॉर्डिंगली वो दबते रहता है नीचे नीचे वो होते हैं हमारे डीकम्पोजर्स ठीक है एंड नेक्स्ट वन इज योर ह्यूमन एन्वायरमेंट ह्यूमन एन्वायरमेंट का मतलब है हमारा जो ह्यूमन इंसान जो है एडाप्ट करता है अपने आप को कैसे माहौल में कुछ लाइक उसने जीना भी है वहाँ पे खाना भी चाहिए उसको कपड़ा भी चाहिए दैट इज़ ऑल द ह्यूमन एनवायरनमेंट लाइक आपको मैंने इकोसिस्टम अभी समझाया था देखिए वो उसको खाएगा वो उसको खाएगा फिर उसको खाएगा इकोसिस्टम यहीं से आपका कंप्लीट होता है ठीक है नेक्स्ट वन इज़ एनवायरमेंट पोल्यूशन एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या है आपका जब हमें हमें डिस्टर्बेंस होती है बाय द ह्यूमन बींग्स के वजह से जब हमारा नेचर कहीं प्रॉब्लम कर रहा है कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे नेचर को ह्यूमंस की वजह से उनको बोला जाता है हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्योंकि करने वाला कौन है यहाँ पर ह्यूमन ही है हमारा नेचुरल तो कुछ हो नहीं सकता है कुछ भी है ना? तो यहाँ पर आपका रैप अप है दीज आर द न्यू पॉइंट्स है और यहाँ आप यहाँ से फ्रॉम दिस पेज यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ए बी सी And from this page, you have to complete your D answer and HOTS answer one and two in your books and copies. Okay, class.